नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष देसी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं साबूदाना का बहुत ही आसानी से बनने वाला पापड़। तो साबूदाना के पापड़ हम कैसे बनाते हैं, आइए देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आधा किलो के हमने साबूदाना के पैकेट लिए हैं, तो इसको हम पहले तो काट लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, साबूदाना हमारा कैसा होना चाहिए वो हम आपको सबसे पहले तो दिखा दें। तो साबूदाना जो है हमारा सबसे अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, बड़ा बड़ा होना चाहिए, तभी हमारे साबूदाना के पापड़ जो है अच्छे बनेंगे। तो चलिए अब हम एक कटोरे में निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इसी कटोरे से सारे मेजरमेंट को करेंगे। तो ये देखिए, एक कटोरा भर के हमने साबूदाना ले लिए हैं। तो इसी कटोरे से हम पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रख दिए हैं और साबूदाना को डाल दिए हैं, और डालकर हम ज़्यादा देर नहीं 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। साबूदाना का कलर को चेंज नहीं करेंगे, बस 1 से 2 मिनट, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट ही हम भूनेंगे। तो चलिए पहले तो हम साबूदाना को भून लेते हैं। तो भूनना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि साबूदाना थोड़ा सा नरम होगा तो भूनने से अच्छा हो जाएगा, तभी हमारा साबूदाना अच्छे से पीस जाएगा। तो अब हम साबूदाना को उतार लिए हैं और एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको हम ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा हो जाएगा तब हम मिक्सर के जार में डालकर अच्छा सा फाइन पाउडर बना लेंगे। तब हम चूल्हे पर एक पतीला रख देंगे और उसी कटोरे से, जिस कटोरे से हमने साबूदाना को मापे थे, उसी कटोरे से हम 6 कटोरा पहले तो हम पानी डाल देंगे और 3 कटोरा पानी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो पानी में अब हम उबाल आने देंगे। तो ये देखिए, इधर हमारा साबूदाना का पाउडर भी बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम एक छन्नी लेंगे, छन्नी में हम इसको छान लेंगे। वैसे आप इसको अगर नहीं भी छानेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हम छान लेते हैं। तो ये देखिए, साबूदाना के पाउडर को हमने अच्छे से छान लिए हैं। अब हम इसमें लगभग 3 कटोरा पानी डालेंगे और डालकर अच्छे से मिला लेंगे, ताकि इसमें कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम साबूदाना के पाउडर को अच्छे से मिला लेते हैं। इधर देखिए दोस्तों, हमारा पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम साबूदाना के घोल को एक हाथ से डालेंगे और एक हाथ से अच्छे से मिलाते जाएंगे। अगर हम छोड़ देंगे ना तो इसमें गांठ भी पड़ सकती है, इसलिए हम लगातार इसको चलाते हुए पकाएंगे। तो इसी तरह से हम चलाते जाते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि सूखने के बाद ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करेंगे। तो ये देखिए, हमारा साबूदाना जो है पककर तैयार हो गया है। तो इस तरह का हमारा साबूदाना का घोल जो हो जाएगा, एकदम चमकदार ट्रांसपेरेंट सा जब हो जाएगा, तब हम साबूदाना के घोल को उतार लेंगे। तो हमारा साबूदाना को हमने उतार लिए हैं। अब हम एक बर्तन में थोड़ा सा निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जमने लगता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा निकाल कर ही पापड़ बनाएंगे। तो एक प्लास्टिक के सीट हमने पहले से ही बिछा कर रखे थे, तो इस तरह से हम एक कलछी लेंगे और इस तरह डालकर फैलाते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, हम किस तरह से बना रहे हैं, तो इसी तरह से आप भी बना लीजिएगा। और इस पापड़ को हम 2 दिन तक अच्छे से धूप में सुखा लेंगे, तो हमारा साबूदाना का पापड़ जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा साबूदाना का पापड़ जो है सूखकर तैयार हो गया है। तो इतने में हमारे पूरे 150 पापड़ बने हैं। अगर आप छोटा छोटा बनाइएगा तो आपका ज़्यादा भी बन सकता है। तो अब हम चूल्हे में एक कढ़ाई रख दिए हैं, उसमें हम रिफाइंड तेल डाल देते हैं। अब हम आपको तलकर भी दिखाएंगे। तो 2 पापड़ लेंगे हम और इस तरह से दबा देंगे एक बार। तो ये देखिए, हमारा पापड़ जो है अच्छे से फूलकर बड़ी बड़ी हो जाएगी। तो थोड़े से पापड़ हम और तलकर आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पापड़ फूल फूल कर कितने बड़े बड़े हो जा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, कि तेल जो है हमारा सब बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तभी हमारे पापड़ जो है फूल फूल कर तैयार होंगे।
तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे साबूदाना के पापड़ बनकर तैयार है। तो हमारे साबूदाना के पापड़ की रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर